الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور صدق الله مولانا العظيم. ये कुरान मजीद में 28वां सुपारा जो शुरू होता है उसकी शुरू की दो आयत है। यहाँ एक नई सूरत शुरू होती है जिसका नाम है सूरतुल मुजादला। मुजादला का मतलब ये होता है कि एक बीवी ने अपने शोहर के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बहस की, तकरार की, एक ही बात बार बार लौटाई, मुराजात की, रिपीट की, झगड़ा खड़ा किया। यूं कहना चाहिए अपने शोहर के साथ जो लड़ाई हुई उसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डिस्कशन किया, डिस्कस की, बहसो मुबाहसा किया। उसका वाकिया अल्लाह ताला ने इस सूरत में बयान फरमाया, इसीलिए पूरी सूरत का नाम हो गया सूरतुल मुजादला। ये एक हिकमत वजह तस्मिया की समझ में आती है।
इस सूरत से, इस वाकिये से एक बात ये समझ में आती है कि औरत और उसके शोहर के दरमियान में कुछ चकमक गर्मा गर्मी झगड़े होना ये पुरानी बात है और ऐसे झगड़े और चकमक की बातें दूसरों के सामने औरतें बतलाती भी है, ये भी एक पुराना सिलसिला है। इस वाकिये को समझने से पहले एक बड़ी अहम बात समझनी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जमाने में दुनिया में नबी बनाकर भेजे गए औरतों पर बहुत ज्यादा जुल्म होते थे, औरतों को जिंदा जमीन में दफन कर देते थे, जुल्म करने के लिए खामोखा औरतों को ऐसे ही छोड़ देते थे, निकाह करने के बाद न उसका हक अदा करे, न उसको खर्चा देवे, न उसके साथ सोवे, उसको ऐसे ही छोड़े रखते थे। कभी ऐसा भी होता था कि एक तलाक दे दी, औरत को लटका करके रख दिया, तलाक देने के बाद उसका निकाह खत्म भी न करते कि वो बिचारी दूसरी जगह शादी कर ले, न अपनी बीवी बना लेते कि शौहर की खुशी और सुख उसको देखने को मिले। ऐसी ऐसी तलाक उस जमाने में होती थी कि औरत को एक तलाक दे करके ऐसे ही मुअल्लक अधर लटकी हुई छोड़ देते थे और बाज मरतबा इससे भी खतरनाक जुल्म करते थे। और वो खतरनाक जुल्म जिहार की शक्ल में होता था। ये जिहार क्या चीज है? ये अरबी वर्ड है, अरबी लफ्ज है। अरबी में जो पीठ होती है, कमर का हिस्सा, पीठ का हिस्सा, उसको ज़हरुन कहते हैं, उसी पर से ये लफ्ज बना है जिहार। जिहार का मीनिंग ये होता है मसले के एतबार से कि एक शोहर, एक मर्द अपनी बीवी को अपनी किसी ऐसी औरत के बदन के साथ या बदन के किसी ऐसे हिस्से के साथ तशबीह दे रहे। एक मर्द, एक शोहर अपनी बीवी को अपनी किसी ऐसी औरत के बदन के हिस्से के साथ तशबीह देवे जिसकी तरफ देखना उसके लिए मना हो। जैसे अपनी बीवी को अपनी माँ, अपनी बहन की पीठ की तरह बतलावे और बीवी को यूं कह देवे कि तू मेरे लिए मेरी माँ की पीठ की तरह है, मेरी बहन की पीठ की तरह है। गोया शोहर के लिए अपनी जो हमेशा की हराम औरत है, माँ है, बहन है, खाला है, फूफी है, ऐसी जो औरत हमेशा हराम है जिसके साथ कभी शादी नहीं कर सकता,
ऐसी औरत के बॉडी के बदन के ऐसे हिस्से के साथ तशबीह देवे जिस हिस्से की तरफ देखना उसके लिए जायज नहीं है, मना है, उस हिस्से के साथ अपनी बीवी को तशबीह देवे और यूं कह देवे कि तू मेरे लिए मेरी माँ की पीठ की तरह है, मेरी बहन की पीठ की तरह है। इसको शरीयत के लॉ में, शरीयत के कानून में जिहार कहते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जमाने में दुनिया में तशरीफ लाए, ये जिहार तलाके मुगल्लगजा से भी, खतरनाक तलाक से भी ज्यादा संगीन और ज्यादा सख्त चीज थी, बहुत सख्त चीज थी। अगर किसी मर्द ने अपनी बीवी की ओर जिहार कर दिया तो हमेशा हमेश के लिए उसको हराम समझते थे कि अब ये बीवी हमेशा के लिए हराम हो गई। गर्ज ये कि उस जमाने में औरतों के ऊपर किस्म किस्म के जुल्म करते थे। आज भी ऐसे बेवकूफ मर्द होते हैं जो औरतों पर जुल्म करते हैं। अल्लाह ताला ऐसे जालिमों के दिलों में अपनी बीवी के लिए मोहब्बत पैदा फरमाए, हक अदा करने का जज्बा पैदा फरमाए, जुल्म से तोबा करने की ऐसे शोहरों को अल्लाह तौफीक अता फरमाए। और जुल्म एक तो होता है हाथ से, बदन से, अमल से, काम से, और एक जुल्म होता है जुबान से, बोल करके। जैसे औरत को बिला वजह गालियां दे रहा है, बिला वजह औरत पर गुस्से हो रहा है, बिला वजह झगड़े कर रहा है, बिला वजह तलाक दे रहा है, बिला वजह जिहार कर रहा है, बिला वजह लियान कर रहा है, ऐसी सब चीजें ये जुबानी तौर पर जुल्म है। और इस्लाम हर तरह के जुल्म को गलत कहता है। हाथ से, अमल से, प्रैक्टिकली जुल्म भी गुनाह है और जुबान से बीवी के ऊपर जुल्म करना वो भी गुनाह है। तो जिहार करना ये एक जुबान से जुल्म करने की खतरनाक शक्ल थी। और उसके अलावा भी अलग अलग तरीके से औरतों के ऊपर जुल्म होते थे। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए इतनी प्यारी तालीम दी, इतना प्यारा सबक दिया कि जिसके जरिए जिंदगी के किसी भी शोबे में कोई भी मुसीबत हो वो मुसीबत खत्म हो जाती है, जुल्म मिट जाता है, औरतों को इत्मीनान से जिंदगी गुजारने का मौका मिलता है। और जुल्म और तकलीफ और मुसीबत से उसकी हिफाजत होती है। ये अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी इनायत और बहुत बड़ी मेहरबानी है। और जिहार जो जाहिलियत के जमाने में था वो औरत के लिए एक बहुत बड़ा जुल्म था। इस्लाम के अंदर जिहार के लिए जो कानून अल्लाह ने कुरान में बयान कर दिया वो हकीकत के अंदर जुल्म को मिटाया गया। और मर्द जो गलत बात बोलता है वो गलत बात बोलने की उसको सजा दी गई,
ताकि आइंदा ऐसी गलत बात बोलने से वो अपने आप को बचावे। साथ में एक इम्पोर्टेंट हिदायत मर्द औरत दोनों के वास्ते कि शादी की जिंदगी में मर्द और औरत दोनों को अपनी जुबान की बहुत ज्यादा हिफाजत करनी चाहिए। कोई बात बोलने से पहले सोचना चाहिए कि इस बात की वजह से कोई बड़ा एक्सीडेंट न हो जावे। शोहर अपनी बीवी के साथ मोहब्बत रखे, रखनी चाहिए, लेकिन मोहब्बत को जाहिर करने के लिए जब कोई बात बोले तो बहुत एहतियात से संभल संभल करके बोले। शरीयत की बॉर्डर में रहकर मोहब्बत की बात बोले। अब यही चीज देख लो, एक शोहर को अपनी सगी माँ से भी मोहब्बत होती है, लेकिन माँ के साथ मोहब्बत बीवी के साथ मोहब्बत में बहुत बड़ा फर्क है। अब एक शोहर, एक मर्द मोहब्बत के अंदर डूब करके अपनी बीवी को अपनी माँ जैसे अल्फाज बोल देवे, तू मेरी माँ जैसी है, तेरी पीठ मेरी माँ की पीठ जैसी है, तो अगर मोहब्बत को जाहिर करने में कोई लफ्ज गलत बोल दिया तो ये मोहब्बत के बजाय बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अल्लाह ताला ने मोहब्बत की बॉर्डर भी सिखाई, मोहब्बत जाहिर करने का तरीका भी सिखलाया। बीवी को अच्छे अल्फाज से बुलाओ। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चहीती लाडली बीवी हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को हुमेरा कहकर पुकारते थे। हुमेरा ये प्यार भरा लफ्ज है, मोहब्बत भरा लफ्ज है। हुजूर अपनी बीवी हजरत आयशा को हुमेरा कहके बुलाते थे। तो शोहर अपनी बीवी को मोहब्बत से बुलावे, बीवी शोहर को मोहब्बत से बुलावे, लेकिन जो बात बोले उसमें बॉर्डर है, अगर उसके बोलने में कंट्रोल नहीं रहा तो मोहब्बत जो है जुल्म में बदल जाएगा और बड़ा नुकसान हो जाएगा, बड़ा खतरनाक मसला खड़ा हो जाएगा। इसलिए हमारे यहां जब निकाह होते हैं तो तीन आयत पढ़ना सुन्नत है और तीनों आयत के अंदर अल्लाह से डरने का हुक्म दिया गया, और डरने के अंदर एक बात खास ये है कि शादी से पहले मर्द जैसे चाहे वैसे बोला, औरत जैसे चाहे ऐसे बोली, अगरचे उसमें भी शरीयत के कानून का लिहाज रखना था, लेकिन शादी के बाद शोहर को बहुत संभल संभल के बोलना है। अगर बोलने में जरा सी भी गलती हो गई तो पूरी जिंदगी का नुकसान हो सकता है। आप देख लो, एग्जाम्पल मैं आपको दूं, तलाक को ले लो। तलाक कोई गाली थोड़ी है, बाज मर्दों ने तलाक को गाली समझ रखा है कि किसी इंसान के साथ झगड़ा होता है तो गालियां बोलते हैं, अगरचे ये मुनाफिक की निशानी है। हदीस में आता है मुनाफिक की चार निशानी, उसमें एक निशानी है कि किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो जावे तो गाली गलोच करे, फिस्को फुजूर की बातें बोले,
इसीलिए दीनी बहनों, एक तो किसी के साथ झगड़ा करना नहीं, और कभी झगड़ा खुदा न करे हो गया तो उसमें गाली गलोच इधर उधर की बातें नहीं बोलने की, सच्ची बात बोलने की। तो मर्द किसी पराए मर्द से लड़ता है तो गालियां बोलता है, बीवी से लड़ेगा तो तलाक बोलेगा, वो या नऊज़ बिल्ला तलाक को भी गाली समझ लिया, ये बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ा गलत काम है। तो इस्लाम से पहले ऐसे बड़े बड़े जुल्म हुआ करते थे। अल्लाह ताला ने अपनी मेहरबानी से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेज करके ऐसे जुल्म खत्म करवाए, औरतों को हुकूक अता फरमाए, राइट्स अता फरमाए, और औरतों को इज्जत के साथ जिंदगी गुजारने का मकाम अता फरमाया। अब इस आयत के अंदर जिस औरत का किस्सा है उनका नाम अल्लाह ताला ने कुरान में बयान नहीं फरमाया, लेकिन नाम जान लेना एक फजीलत की चीज है, इज्जत और शराफत की चीज है, इसीलिए कि इनका वाकिया अल्लाह ने कुरान में बयान किया। इस औरत का नाम था हजरत खौला रदी अल्लाह ताला अन्हा। आजकल लोग बेटियों के नए नए नाम ढूंढते हैं और ऐसे ऐसे नाम हमको बतलाते हैं जिसमें कोई दम खम भी नहीं होता है, एकदम ठड़क्लास फटीचर किस्म के नाम होते हैं। नए नाम रखने हो तो ये सहाबी औरतों के नाम रखो, खौला रदी अल्लाह ताला अन्हा। इनका किस्सा कुरान में भी अल्लाह ने बयान फरमाया। ये खौला, इनके अब्बा का नाम सालबा था, अंसारी औरत थी, और इनकी शादी हुई थी हजरत औस इब्ने सामित रदी अल्लाह ताला अन्हो से। लो मर्द का भी नया नाम आ गया औस, ये सहाबी का नाम है, और इस आयत में उन्हीं का किस्सा अल्लाह ने बयान फरमाया। एक सहाबी है जो बहुत मशहूर है, हजरत उबादा इब्ने सामित रदी अल्लाह ताला अन्हो, ये इनके सगे भाई होते हैं। तो हजरत औस रदी अल्लाह ताला अन्हो की शादी हजरत खौला रदी अल्लाह ताला अन्हा से हुई। रिवायतों के अंदर आता है ये बहन हजरत खौला रदी अल्लाह ताला अन्हा खूबसूरत थी, लेकिन मिजाज के अंदर थोड़ा गुस्सा था, और ऐसा होता है, ऐसा करना नहीं चाहिए कि हुस्न और खूबसूरती की वजह से या मालदार घर की बेटी होने की वजह से मिजाज को गुस्से वाला और बहुत ऊंचे माइंड का नहीं रहना चाहिए। अल्लाह का शुक्र अदा करो अल्लाह ने खूबसूरती दी है तो, मालदार घर की बेटी बनाया है तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, उसकी वजह से मिजाज में गुस्सा मत लाओ और अपने आप को बड़ा मत समझो। अब हुआ ऐसा कि हजरत खौला रदी अल्लाह ताला अन्हा नमाज पढ़ रही थी, नमाज के दरमियान उनके शोहर हजरत औस रदी अल्लाह ताला अन्हो की नजर अपनी बीवी की तरफ पड़ी। अंदाजा ऐसा है कि रुकू या सिजदे की हालत में बीवी को उन्होंने पीछे की तरफ से देखा, और हजरत औस रदी अल्लाह ताला अन्हो के दिल के अंदर इरादा पैदा हुआ बीवी के साथ अपनी जरूरत के पूरा करने का। मोहब्बत ऐसी चीज है, कौन सी अदा पसंद आ जावे हम कह नहीं सकते,
بیوی کی وہ ادا دیکھی حضرت اوس رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں ارادہ پیدا ہوا، جب وہ نماز سے فارغ ہوئی تو اپنی بیوی کو کہا، اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے بلایا، تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انکار کر دیا، منع کر دیا. بعض روایت کے اندر ہے کہ حضرت اوس رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ بیماری تھی، دماغ کی کمزوری تھی، اور دماغ کی کمزوری کے اندر کبھی کبھی ان کو دورہ پڑتا تھا، اور جب دماغ کمزور ہو، بیماری کا دورہ پڑے، ایسی حالت میں انہوں نے اپنی بیوی کو بلایا، بیوی نے انکار کر دیا. اب شوہر کو تقاضا تھا، بیوی نے انکار کر دیا، اس کے اوپر حضرت اوس رضی اللہ تعالی عنہ کو غصہ آیا، اور غصے کے اندر انہوں نے اپنی زبان سے بول دیا کہ تو میرے لیے ایسی ہے جیسی میری ماں کی پیٹھ ہے. یہ جملہ انہوں نے بول دیا غصے کے اندر، اور اس کے بعد حضرت اوس ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ شرمندہ ہوئے کہ میں نے یہ کیا بول دیا. اور جنرلی ایسا ہی ہوتا ہے، غصے میں میاں بیوی کچھ بول دیتے، کوئی غلط بات ہو گئی، نامناسب بات ہو گئی، تو بعد میں دونوں کو پچھتاوا ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے. تو حضرت اوس رضی اللہ تعالی عنہ نے بولتے بول تو دیا، لیکن ان کو بعد میں بہت افسوس ہوا، شرمندگی ہوئی، اور اپنی بیوی حضرت خولہ سے کہنے لگے کہ میرے خیال میں مسئلہ ایسا ہے کہ اب تو میرے لیے ہمیشہ حرام ہو گئی، کہ میں نے جو یہ بول دیا کہ تو میرے لیے ایسی ہے جیسی میری ماں کی پیٹھ، تو میری سمجھ کے مطابق اب تو میرے لیے ہمیشہ حرام ہو گئی ہے. حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی، نہیں، اللہ کی قسم، طلاق نہیں ہوئی، جدائی نہیں ہوئی، شوہر کہہ رہے ہیں کہ نہیں تو ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، بیوی کہہ رہی ہے کہ تو میرے لیے حرام نہیں ہو، تم طلاق نہیں ہوئی، دونوں میں ڈسکس ہونے لگی. اب وہ زمانہ تھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود ہے، قرآن اتر رہا ہے. تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوچا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں، حضور کو پوری بات بتلاؤں، حضور کو مسئلہ پوچھوں، اور جا کر کے حضور سے کوئی مجھے رہنمائی ملے گی. کیسی وہ پاکیزہ جذبے والی بیوی تھی کہ چلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتے ہیں، جا کر حضور سے پوچھتے ہیں کہ میرے شوہر نے ایسا بول دیا تو اب میرے لیے کیا مسئلہ ہے. فوراً وہ حضور کو پوچھنے کے لیے روانہ ہو گئے. اس سے یہ بات سیکھنے کو ملی، اگر فیملی لائف میں کوئی ایسا پرابلم ہو جائے تو شریعت کے قانون کو، مسئلے مسائل کو جاننے والوں سے پوچھنا چاہیے، معلوم کرنا چاہیے. اللہ ایسی مینٹالیٹی سے حفاظت فرماوے. آج ایسی غلط مینٹالیٹی آ رہی ہے، شوہر طلاق دے دیتا ہے،
फिर भी मियां बीवी साथ में रहते हैं, 20-20, 25-25 बरस साथ में रहते हैं। कितना बड़ा गलत काम है। क्या अल्लाह का डर नहीं दिल में, शरीयत के कानून का डर नहीं? किसी ने नहीं सुना तो अल्लाह ताला ने तो सुना है, इस बात का डर नहीं दिल के अंदर? शौहर ने कोई गलत बात बोल दी, यकीनन अगर उसने गलत बात बोली है वो जालिम है, लेकिन शरीयत का मसला मसला है, कोई गलती से गोली मार दे तो सामने वाला मर जाता है, वो गोली ये नहीं देखती कि भूल से मारी है। तो अमल तो करना है शरीयत के ऊपर। अपने अंदर ये जज्बा पैदा करो कि अल्लाह रसूल का हुक्म हर हाल में पूरा करना है। दुनिया की जिंदगी बहुत मामूली और छोटी सी है, असल आखिरत के जवाब की फिक्र रखो। तो हजरत खौला रजी अल्लाह ताला अन्हा फौरन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रवाना हुई। आगे का वाकिया सुनने से पहले चंद जरूरी दीनी बातें, मसाइल की बातें बतलाना मैं मुनासिब समझता हूं, आप उसको माइंड न करें। इस लाइन के मसले मसाइल बहुत खुल करके मैं पहले मस्जिद में मर्दों के सामने बयान कर चुका हूं, लेकिन कुछ जरूरी बातें जो आपको मुताल्लिक है वो बहुत एहतियात से अल्फाज को संभाल संभाल करके शरीयत का मसला, दीन का हुक्म वो आपको भी सुना देता हूं। हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये हदीस बुखारी शरीफ में भी है, मुस्लिम शरीफ में भी है। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शोहर मर्द अपनी बीवी को, वाइफ को अपने बिस्तर की तरफ बुलावे, यानी अपनी जरूरत पूरी करने के लिए बुलावे, और बीवी ने इनकार कर दिया और उस पर शोहर ने नाराज होकर रात गुजारी, तो फरिश्ते उस औरत पर सुबह तक लानत करते रहते हैं, बद्दुआ करते हैं उस औरत के वास्ते। एक हदीस में यह आया, फरिश्ते उस औरत के ऊपर लानत करते हैं यहां तक कि वो औरत इनकार करना छोड़ देवे और शोहर की बात मान लेवे, वहां तक लगातार उस औरत के ऊपर अल्लाह के फरिश्ते लानत करते हैं। और हदीस के अंदर रात का लफ्ज है, इसलिए कि आम तौर पर इस तरह जरूरत रात में पूरी होती है, लेकिन हदीस के शारहीन लिखते हैं कि मतलब है इनकार करना, चाहे दिन में ना केवे या रात में ना केवे, किसी भी वक्त इनकार किया तो अल्लाह के फरिश्ते बीवी के ऊपर लानत यानी बद्दुआ करते हैं कि ये औरत अल्लाह की रहमत से दूर हो जावे। बात दरअसल ये है कि अगर बीवी इनकार करेगी तो शोहर दूसरा रास्ता सोचने लगता है, गुनाह का रास्ता सोचता है, तलाक तक बाज मर्तबा ये चीज चली जाती है। एक हस्बैंड वाइफ का प्रॉब्लम आया मेरे पास, मैं सॉल्यूशन करने के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए बैठा, तो वो शोहर बेचारा बीवी की फरियाद कर रहा था। अखीर के अंदर जितनी भी फरियाद की मैंने उसको समझाया कि भाई ये फरियाद तेरी मुनासिब नहीं है, सही नहीं है,
इतनी सही है इतनी सही नहीं है, इतने परसेंट तेरी ये फरियाद सही है इतने परसेंट फरियाद सही नहीं है। लेकिन वो बेचारे ने दबते दबते आखिर के अंदर मुझे कहा कि मेरी बीवी मेरी जरूरत भी पूरी नहीं करती है। मैंने कहा ये फरियाद के ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि ये चीज ऐसी है कि शोहर के दिल में नफरत पैदा कर सकती है और बाज मरतबा ये चीज तलाक तक ले जाने का जरिया बनती है। रिवायतों में तो यहां तक आया, हदीस के अंदर है ये, तिर्मिजी शरीफ के अंदर ये रिवायत मौजूद है, हदीस है ये कि अगर औरत किचन में है, चूल्हे के ऊपर है, रोटी बना रही है, शोहर की तरफ से उसको बुलाया गया तो उसको चाहिए कि शोहर की बात पूरी करे। इसमें ये हो सकता है कि रोटी जल जावे, खाना बिगड़ जावे, लेकिन वो शोहर की जरूरत पूरी करे। एक रोटी ही तो बिगड़ेगी, लेकिन तुम्हारी जिंदगी न बिगड़े, शोहर तलाक तक चला न जावे, पूरी लाइफ खतरे के अंदर न पड़ जावे, उसका खास लिहाज और ख्याल रखना चाहिए। हाँ, मसले भी है इसके अंदर, अगर कोई शरई रुकावट है, मसलन औरत हैज या निफास के दिन में है, एमसी या एलसी के अंदर है, तो मना कर देवे, ये शरीयत का राइट है। बीमार है, इतनी सख्त बीमार है कि ऐसी बीमारी के अंदर उसकी तबीयत तैयार नहीं है, तो मना कर सकती है। या दिन में बुलाया, डे टाइम में, और रमजान का महीना है, फर्ज रोजा रखा है, तो इनकार कर सकती है, मना कर सकती है, ये शरीयत ने ये इजाजत भी दी है। हमारी शरीयत तो ऐसी पाकीजा शरीयत है कि अगर कोई शोहर सफर में निकला हो और घर वापिस आ रहा हो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अचानक घर में मत पहुंचो। पुराने जमाने में आज की तरह ये मोबाइल टेलीफोन ये सब इंतजाम नहीं थे। शोहर सफर से रिटर्न आ रहा है तो अचानक घर पहुंचने से हुजूर ने मना फरमाया। उसका एक रीजन ये हो सकता है कि शोहर घर में न हो और बीवी एकदम सिंपल रहे, मेली कुचेली रहे, जेब जीनत न करे, और शोहर अचानक घर आ गया और मैले कपड़ों में बीवी को देखा तो पॉसिबल है, हो सकता है कि शोहर के दिल में बीवी के लिए नफरत हो जावे और ये चीज उनके लिए नऊज़ु बिल्लाह तलाक का जरिया बन जावे। इसीलिए अंदाजा लगाओ हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना एहतियात फरमाया, कितनी ताकीद फरमाई कि शोहर सफर से घर आ रहा हो तो पहले से इत्तिला दे देवे, मैसेज दे देवे, खबर कर लेवे, ताकि बीवी कुछ ठीक ठाक हो जावे, साफ सुथरी हो जावे और शोहर के दिल में बीवी के बारे में नफरत पैदा न हो जाए। हमारी शरीयत कितना एहतमाम करती है आप अंदाजा लगाओ। तो बहरहाल हजरत खौला रजी अल्लाह ताला अन्हा नमाज पढ़ रही थी, उनकी कोई अदा के ऊपर शोहर के दिल के अंदर इरादा पैदा हुआ, अपनी बीवी को बुलाया, उन्होंने इनकार कर दिया, तो उस पर हजरत औस रजी अल्लाह ताला उन्होंने ये जिहार के अल्फाज बोल दिए। और वो जाहिलियत का जमाना था, उसमें इस तरह अल्फाज के बोलने को हमेशा के लिए हराम समझते थे। अब ये बीवी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, जब हुजूर के पास आई
तो हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा के घर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। हजरत आयशा हुजूर का सर मुबारक धो रही थी। हुजूर के सर हेड की एक साइड धो रही थी। देखो अंदाजा लगाओ, ये कोई मसला नहीं, लेकिन ये खिदमत भी है मोहब्बत भी है कि बीवी अपने शोहर का सर धो दे दे। खिदमत की खिदमत भी है, मोहब्बत और प्यार भी उसके अंदर है। खुद मां आयशा कहती है रदी अल्लाहु ताला ना कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक धो रही थी। इतने में हजरत खौला रदी अल्लाहु ताला ना आई और आने के बाद कहने लगी, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मेरे शोहर हजरत औस के लिए आई हूं, उन्होंने मेरे साथ निकाह किया जब मैं नौजवान थी, मालदार थी, खानदान वाली थी। शादी के बाद उन्होंने मेरा माल खाया, बीवी खिलाती है मालदार हो तो शोहर को भी, मेरी जवानी खत्म कर दी, मेरा खानदान छूट गया। बाज मर्तबा ससुराल जाने के बाद लड़की ससुराल की ऐसी हो जाती है कि अपनी फैमिली और खानदान को भी बिल्कुल छोड़ देती है। ये भी गलत आदत है। खानदान वालों के साथ, माँ बाप के साथ, भाई बहनों के साथ, चचा नाना मामू के साथ ताल्लुक रखना चाहिए। हाँ कम हो जावे उसमें हर्ज नहीं ससुराल की वजह से, लेकिन बिल्कुल खत्म न हो। कहा हुजूर मैं जवानी से बूढ़ी हो गई, अब जाकर के मेरे शोहर ने मेरे साथ जिहार किया और जिहार करने के बाद वो पछता रहे हैं। बतलाइए कि मैं और मेरा शोहर फिर से जमा हो सकते हैं, हम दोनों फिर से साथ रह सकते हैं। ये इन्होंने आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस तरह जिहार वाले केस में अल्लाह ताला ने कोई हुक्म नहीं उतारा है, और मेरा ख्याल ये है कि तू अपने शोहर के लिए हराम हो गए, अब तुम दोनों मिल नहीं सकते। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जुबान से हजरत खौला रदी अल्लाहु ताला अन्हा ने ये जवाब दिया, सुना, जवाब सुनते ही वो रोने लगी, शिकवा शिकायत करने लगी, रोने लगी। कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई बात कहती और यूं कहती, हे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे शोहर ने मुझे तलाक थोड़ी दी है, तलाक नहीं दी है, यानी सिर्फ जिहार किया है। फिर आसमान की तरफ मुंह उठाया हजरत खौला रदी अल्लाहु ताला अन्हा ने और कहने लगी, वो प्यारे पाकीजा बीवी, मेरे अल्लाह अब मैं क्या करूं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर बाप को दे दूं तो बर्बाद हो जाएंगे, और बाप को बच्चे न दूं तो मैं औरत जात कहां से बच्चों को खिलाऊंगी। रोती रही, सर पर हाथ मारती रही, मेरी जवानी शोहर के पास गुजरी, बुढ़ापा आ गया, अब कहां जाऊं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस औरत की बात को इत्मीनान से सुनते रहे। और ये भी फलसफा है, हिकमत है कि कोई अपनी बातों की फरियाद सुनावे, दुखड़े सुनावे,
दुख और गम और टेंशन की बात सुनावे, सुन लेने का, उससे सामने वाले का दुख गम हल्का हो जाता है। ये भी एक बहुत अच्छी बात है। आज रिवायत में आता है कि वो औरत कहने लगी, अल्लाहुम्मा अश्कु इलैक, अल्लाह मैं आपकी बारगाह में फरियाद करती हूँ, शिकायत करती हूँ। और यूं कहा, हे अल्लाह अपने नबी की मुबारक जुबान से मेरी मुश्किली को आसान कर दीजिए, हे अल्लाह अपने नबी की जुबान से आप मेरी तकलीफ को, मुश्किली को दूर कर दीजिए। बाद रिवायत में अजीब बात भी आई है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खौला रदी अल्लाह ताला अन्हा को यूं फरमाया कि अल्लाह ने तेरे बारे में कोई चीज उतारी नहीं है, तो उस औरत ने गम के अंदर क्या जवाब दिया, गम के दरिया में डूबकर, हुजूर आप पर हर चीज का हुक्म उतरता है और मेरे बारे में क्या हुआ कि कोई वही नहीं आई आप पर, आप पर वही ही रुक गई। इस तरह की बातें औरतें गुस्से में बेकाबू होकर बोल देती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्मीनान के साथ उनकी बात सुन ली, सुनते रहे उस औरत की बात को। अल्लाहु अकबर। दीनी बहनों, हजरत आयशा रदी अल्लाहु ताला अन्हा कहती है कि मैं हुजूर के बिल्कुल करीब थी, बिल्कुल नजदीक थी। लेकिन अभी आपने सुना कि हजरत आयशा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक धो रही थी एक तरफ से, लेकिन हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ये कहती है कि हजरत खौला की पूरी बात मैंने नहीं सुनी, थोड़ी सुनी और थोड़ी नहीं सुन सकी। अंदाजा लगाओ हजरत आयशा की इस बात पर कि हजरत खौला रदी अल्लाह ताला अन्हा मुसीबत के वक्त में हुजूर को अपने शोहर की बात करने गई, लेकिन इतना आहिस्ता आहिस्ता बोल रही है कि माँ आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर का सर मुबारक धो रही है, इतना करीब है, फिर भी हुजूर को आवाज, हजरत आयशा को आवाज सुनाई नहीं दी। थोड़ी बात सुनी, थोड़ी बात नहीं सुन सकी। ये एक बहुत बड़ी तालीम है आपके वास्ते। फरियाद करते वक्त, शिकायत करते वक्त लाउड स्पीकर हाई नहीं होना चाहिए, आवाज बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, हर हाल में आवाज धीमी रखनी चाहिए। शरीयत ने आपकी आवाज में भी पर्दा रखा है, आवाज जोर शोर से नहीं होनी चाहिए। आज तो घर में बाज हमारी बहनें बच्चों को डांटती है, बाहर मेले में सुनाई देता है, अड़ोस पड़ोस में सुनाई देता है, शोहर बीवी में तू तू मैं होती है, स्ट्रीट में, महल्लों में पड़ोसी अड़ोसियों को आवाज सुनाई देती है। ये बहुत गलत तरीका है। ये हजरत खौला रदी अल्लाह ताला अन्हा का किस्सा बहुत बड़ी नसीहत है कि हजरत आयशा बिल्कुल करीब में है, हुजूर का सर मुबारक धो रही है, लेकिन माँ आयशा फरमाती है कि मैंने उनकी थोड़ी बात सुनी और थोड़ी बात सुन नहीं सकी। वो हुजूर को अपनी फरियाद कर रही थी, हे अल्लाह के रसूल, शोहर ने मेरा माल खा लिया, मेरा पेट बिखेर दिया, यानी मेरे पेट से बच्चे पैदा किए, बूढ़ी हो गई, अब मुझे बच्चे होते नहीं है, तो उसने मुझसे जिहार कर लिया। इस तरह की बातें वो फरियाद कर रही थी, हजरत आयशा को सुनाई नहीं दिया। हालांकि हजरत आयशा भी औरत थी, वहां आवाज में पर्दे की कोई बात नहीं थी,
لیکن پھر بھی حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ادب سیکھو، مسئلے پر عمل سیکھو کہ فریاد کرتے وقت پر بھی اتنی آہستہ آہستہ بول رہی ہے کہ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بعض باتیں سنائی نہیں دی. آگے اللہ کی قدرت سنو، اللہ تعالیٰ کیسی زبردست قدرت اور طاقت والے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنی قریب میں ہے، اتنی پاس میں ہے، ان کو آواز سنائی نہیں دی. اللہ اکبر، لیکن میرے اللہ نے ان کی بات سن لی، اللہ تعالیٰ نے ان کی فریاد سن لی، اور فوراً حضرت جبرائیل امین کو بھیجا قرآن کی آیت لے کر کے. کیا آیت نازل ہوئی؟ وہی آیت اس موقع پر نازل ہوئی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر. اللہ نے ان کی بات سن لی جو اپنی شوہر کی فریاد کرنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی تھی. اللہ تعالی نے ان کی دعا قبول کر لی، ان کی آواز سن لی، اور آسانی کا مسئلہ اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا جو قیامت تک آنے والی عورتوں کے لیے آسانی ہو گئی. بہت آسان شریعت کا مسئلہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کے ذریعے سے بھیج دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کا دوسرا حصہ میں دھونے لگی، ایک سائٹ پہلے دھو لی تھی، اب دوسری سائٹ میں دھو رہی تھی، تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ بولی، اے اللہ کے رسول، میں آپ پر قربان جاؤں، میرے معاملے میں غور کیجئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی کہ اب میں بولی حضرت خولہ کے سامنے، جب انہوں نے بہت شکایت کی، بہت فریاد کی، تو اب حضرت عائشہ بولی، کہنے لگی، خولہ اپنی بات بند کر، جھگڑا اور بحث ڈسکس کرنا بند کر، کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کو دیکھتی نہیں ہے؟ حضور کا چہرہ مبارک تجھے نظر نہیں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ جب قرآن اترتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا چہرہ مبارک بدل جاتا تھا. کبھی کبھی تو ایسی حالت ہو جاتی تھی جیسے کہ نیند جیسی حالت ہو، اونگ تاری ہو ایسی حالت، کبھی تو حضور کی حالت مبارک ایسی ہوتی تھی کہ سخت ٹھنڈی کے اندر پورے چہرے کے اوپر پسینہ آ جاتا تھا جب قرآن اترتا تھا اس وقت پر. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ قرآن اتر رہا ہے، تو ابھی چپ رہے، دیکھ اللہ کے یہاں سے قانون آ رہا ہے. میری دینی بہنوں، آپ اپنی خوش نصیبی کے اوپر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرو وہ کم ہے. ایک شوہر بیوی کا پرابلم ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کی برکت سے قیامت تک آنے والی عورتوں کے لیے آسانی کر دی، اور ایک دم آسان قانون اللہ نے قرآن کے اندر نازل فرما دیا. جب وحی کا اترنا بند ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا، تمہارے شوہر کو بلاؤ،
मैं उनको सुना देता हूं कि अल्लाह के यहां से क्या हुक्म आया है। चुनांचे का जाओ शोहर को कहो कि अल्लाह ताला ने आसानी कर दी कि जिहार करने की वजह से बीवी हमेशा हराम नहीं होगी, तलाक भी नहीं होगी, लेकिन शोहर ने जो गलत बात बोली कि अपनी बीवी को अपनी मां जैसा कह दिया, ये गलत बात बोली। इसीलिए कि मां तो वो होती है जिसके पेट से वो पैदा हुआ। इन उम्महातुहुम इल्लल्लाई वलदनहुम, मां तो वो होती है जिसने उनको जना है। सिर्फ मुंह से बोलने से कोई मां नहीं बन जाया करती। आज दुनिया में बहुत सारे लोग दूसरी औरतों को भी मां मां कहते रहते, उससे कोई हकीकत में मां नहीं बन जाती। ये शरीयत का कानून है। मां खाला ऐसे अल्फाज बोलने से हकीकत में कोई मां खाला नहीं बन जाती। इस आयत में कानून बयान किया, इन उम्महातुहुम इल्लल्लाई वलदनहुम व इन्नहुम लयकूलून मुनकरम मिनल कौल वज़ूरा। मां तो वो होती है जो बच्चे को जन्म देवे, और जो सगी मां नहीं है उनको मां बोलना एक मुनकर और गलत और नामुनासिब बात है। और अल्लाह ताला बड़े माफ करने वाले बड़े बख्शने वाले हैं। तो कहा जाओ अपने शोहर को बुला कहो कि इन्होंने जो गलत बात बोली थी उसकी सजा ये है कि कफारा देना पड़ेगा। और कफारे के अंदर ये होगा कि वो एक गुलाम को आजाद कर देवे। अब देखो एक औरत के दिल के अंदर शोहर की कितनी मोहब्बत होती है, कितना प्यार होता है शोहर के बारे में कि शोहर ने गलत बात बोल दी तो भी वो बीवी अपने शोहर की सिफारिश करती है। क्या कहती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे शोहर तो गरीब आदमी है। कैसी औरत! इसलिए कि गुलाम को आजाद करना कोई आसान काम थोड़ा ही। पैसों के जरिए एक इंसान को खरीदो, उसको आजाद करो, एक बड़ा काम था। इसलिए बीवी ने कहा, हुजूर मेरे शोहर गरीब आदमी है, उसके अंदर गुलाम आजाद करने की कैपेसिटी नहीं है, उनके लिए पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है कि वो गुलाम को आजाद कर दे। कैसा मोहब्बत का जज्बा हजरत खौला रजी अल्लाह ताला अन्हा के दिल में अपने शोहर के मामले के अंदर। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा जाओ अपने शोहर को कहो कि 2 महीने के लगातार रोजे रख ले, वे सजा तो भुगतनी पड़ेगी। बीवी को गलत बात बोली है ऐसे वैसे तो माफ नहीं होगा, सजा तो है। अगर वो गरीब है, गुलाम खरीद के आजाद नहीं कर सकते, तो 2 महीने के लगातार रोजे रखे। अल्लाहु अकबर। हजरत खौला रजी अल्लाह ताला अन्हा के दिल में अपने शोहर का कैसा जज्बा है भलाई का। अगर ये जज्बात हर बीवी में अपने शोहर के लिए आ जावे तो कभी फैमिली लाइफ में, इस दीवाजी जिंदगी में कभी लड़ाई झगड़ा न होने पावे। कहती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम मेरे शोहर तो बहुत बुढ़े हैं, रोजा रखने की ताकत नहीं है, कहां से वो बेचारे 2 महीने लगातार रोजे रखेंगे। आगे वाली बात इंशाल्लाह आइंदा कल की मजलिस के अंदर मुकम्मल करेंगे, और आइंदा कल इस सफर की इंशाल्लाह इख्तितामी मजलिस और दुआ भी होगी। अल्लाह ताला हम सबको शरीयत के अहकाम पर दिलो जान से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना
الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھ لیجئے. اللهم صل وسلم وبارك وانعم على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ, یہ مغفرت کا مبارک اشارہ ہے, آپ ہماری مغفرت کر دیجئے. اے اللہ مغفرت کر دیجئے, اے اللہ مغفرت کر دیجئے. شریعت کے قانون اور احکام پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے, شریعت پر اطمینان اور یقین عطا فرمائیے, زندگی کا ہر کام شریعت اور سنت نبوی کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائیے, جائز مرادوں کو پورا فرمائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی, اے اللہ ہمیں اور پوری امت کو عطا فرمائیے. جن شرور سے پناہ چاہی, اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائیے. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین 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 یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.